तो गाइज अगर आप सभी लोग व्हाट्सअप में किसी को वीडियो कॉल करते हैं तो आपको गाइज इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं कॉल करता हूँ तो मेरे में लिखा रहता है कुल नॉट प्लेस कॉल, मेक श्योर योर फ़ोन हैज़ एन इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो गाइज जैसे ही मैं वीडियो कॉल करता हूँ या तो फिर नॉर्मल वॉइस कॉल करता हूँ व्हाट्सअप में, तो मेरे को इस तरीके से एरर आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में तभी आता है जब गाइज आपके फ़ोन में डाटा बंद रहता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे में इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आपके फ़ोन में डाटा बंद है तब आपको इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, या तो फिर गाइज आपने यहाँ पे अपने फ़ोन में सारा डाटा यूज़ कर चुका है, आपने यहाँ पे 1.5 GB पूरा ख़त्म कर चुका है और उसके बाद आप कॉल कर रहे हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आएगी, या तो फिर आपके फ़ोन में गाइज जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन सही से नहीं है आपके फ़ोन में, तब आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट कभी कभी इस तरीके से अगर व्हाट्सएप में एरर आ जाता है तो आपको क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप का जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद आपको मैनेज ऐप्स पे चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिखना है। व्हाट्सअप लिखने के बाद आपको जो है जो व्हाट्सअप का एप्लीकेशन आएगा तो उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन आता है रेस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वाईफाई और मोबाइल डाटा का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसको इनेबल करनी है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करते हैं तो आपके फ़ोन में व्हाट्सअप का जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन का डाटा यूज़ नहीं कर पाएगा और आपके फ़ोन में बार बार नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसको हमेशा इनेबल करके रखिए और जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमेशा आप जो अपने फ़ोन में अपडेट करके ही रहिए, व्हाट्सअप का जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करते ही रहिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।